राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का संसद में दिया हुआ दूसरा भाषण भी अब विवादों में आ गया है। बजट पर चर्चा के दौरान सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसके कुछ शब्दों को रिकॉर्ड से फिर हटाया गया है। ऐसा दूसरी बार राहुल गांधी के साथ हो रहा है जब उनके भाषण के हिस्सों को हटाया गया हो सदन की कार्यवाही से। राहुल गांधी के दूसरे भाषण से जिन शब्दों को हटाया गया है उनमें मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी हैं। ये चार नाम उनके भाषण से हटाए गए हैं। राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाषण में इन चारों का नाम लिया था। एक चक्रव्यूह रचना की उन्होंने बात कही थी और महाभारत के किरदारों से इनकी तुलना की थी। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति भी जताई थी और संसद सत्र के छठे दिन सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की और राहुल ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। आज चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं और ये 6 लोग हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी। लोकसभा में आपको याद दिला दें कि 1 जुलाई को भी जब राहुल गांधी ने अपने भाषण के लिए खूब वाह ही बटोरी थी और तब भी भाषण पर कैंची चली थी। दरअसल लोकसभा स्पीकर ने उनके पूरे भाषण में से 14 कट लगा दिए थे, यानी कि आसान भाषा में कहें तो उनके भाषण के इन 14 पॉइंट्स को संसद के रिकॉर्ड से ही निकाल दिया गया। और एक बार फिर उनके साथ कल के भाषण के बाद भी हुआ है, इस बार 4 जगह कैंची चली है। जानकारी के मुताबिक स्पीकर ने राहुल की तरफ से बीजेपी के संदर्भ में तब जब हिंदू धर्म को लेकर कई संदर्भ उन्होंने दिए, 3 में से 2 प्रमुख उद्योगपतियों का जिक्र किया जिनका कांग्रेस अक्सर नरेंद्र मोदी सरकार के संदर्भ में उल्लेख करती है, इस बार भी दोनों उद्योगपतियों का नाम लिया गया। 2 अग्निपथ योजना के बारे में, 1-1 नीट विवाद के बारे में, मणिपुर के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में कई बातों पर कैंची चला दी गई, क्योंकि ये कहा गया कि उनके पास तथ्य नहीं है, बिना तथ्य के वो ये बात कह रहे हैं। राहुल गांधी के लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में पहले भाषण के इन 14 अंशों में से 1 जुलाई की रात स्पीकर ओम बिरला ने हटा दिया था और इसके अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अभिवादन के अभाव के बारे में भी गांधी की टिप्पणी, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्रियों का खासतौर पर उल्लेख था, वो भी हटा दिया गया था। आपको बता दें लोकसभा स्पीकर का ये निर्णय सामने आया था और उसके बाद कांग्रेस इसकी तीखी आलोचना कर रही थी, तो आज भी उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस इसकी तीखी आलोचना करे। राहुल गांधी ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर तब उनके इस निर्णय पर सवाल उठाए थे और मांग की थी कि उनकी टिप्पणियों को संसदीय रिकॉर्ड में बहाल रखा जाए। एक तरफ जहां ओम बिरला ने हिंदू धर्म और भाजपा के बारे में राहुल गांधी के संदर्भ को हटा दिया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के उस खंडन को नहीं हटाया तो उन्होंने राहुल गांधी के भाषण के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा था। पीएम ने राहुल के भाषण के दौरान कहा था कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर मुद्दा है। पीएम की इस बात के बाद राहुल गांधी ने जो प्रतिक्रिया दी थी उसे भी हटा दिया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राहुल गांधी के भाषण को लेकर भी जो टिप्पणियां थी उनमें से कुछ चीज़ों को सदन के रिकॉर्ड से हटाया गया। तो लगातार राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं और ख़ास तौर पर जिन नामों का वो उल्लेख खुलकर कर रहे हैं उन्हें अब सदन की कार्यवाही से हटाया जा रहा है। अब इस पर विपक्ष किस तरीके से रिएक्ट करता है, विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अभी संसद सत्र चल रहा है तो आज के सदन की कार्यवाही पर भी हमारी खास नज़र बनी रहेगी। चलिए अब आपको वो सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने क्या भाषण में कल कहा था जिसे सदन की कार्यवाही से हटाया गया है, सुनिए। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 दे देता हूं उनको, 3 और 4 ठीक है सर। अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर, 3 और 4 दे देता हूं कोई और आपके सामने सुबह सुबह बता दे क्यों लिख के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।